हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं ब्रेड ऑमलेट, वो भी स्पाइसी। यहाँ पर मैं एक पैन ले रही हूँ, उसको गर्म कर लिया है। अब उसमें घर में जो बना हमारा मक्खन होता है वो मैंने डाल दिया है, क्योंकि मक्खन में जो ऑमलेट होता है वो बहुत ही फ्लफी बनता है। और यहाँ पर मक्खन गर्म हो रहा है तो मैंने मिक्सचर बनाया है। 4 अंडे लिए हैं, उसमें प्याज, ग्रीन चिल्ली, रेड चिल्ली, नमक और ये चीज़ें मिला के अच्छी तरह से उसको फेंट लिया है। अब मैं इसमें ये डालूँगी। अब देखिए, इसमें मैंने ये मिक्सचर पूरा डाल दिया है। अब मैं इसमें 2 ब्रेड रखूँगी। अब ये नीचे से जब पूरा पक जाएगा ना, तो इसको फिर मैं पलटूँगी, फिर दूसरी तरफ से ब्रेड की तरफ से इनको पकाऊँगी। ये बहुत ही टेस्टी होता है, बच्चों के लिए हेल्दी भी है, आप कभी भी बना सकते हो। और सिर्फ 5 मिनट लगते हैं इसको, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। जब कुछ ना खाने के लिए हो तो ये आप बना सकते हो। अब देखिए, ये नीचे से पक रहा है। एक्चुअली जो हमारा घर में बना हुआ मक्खन होता है ना, उससे ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनता है। बाजार का मक्खन भी आप यूज़ कर सकते हो, उससे भी फ्लफ़ी बनता है। अब देखिए, मैंने इसको पलट दिया, देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसका। अब मैं इसको इस साइड से पका रही हूँ। इसको थोड़ा सा ना दबा देना चाहिए, ताकि जो हमारा अंडा है वो मतलब अच्छी तरह से पक जाए। अब मैंने थोड़ा सा मक्खन और डाल दिया है, क्योंकि जो नीचे वाले ब्रेड हैं उसको भी थोड़ा सा मक्खन चाहिए, तो वो उसमें समा जाएगा। अब मैं इसको दबा के थोड़ा सा पका रही हूँ। देखिए, ये बन गए हैं। अब मैं इसको बीच में से काट दूँगी और सर्व करने के लिए ये तैयार है। ये बहुत ही कम समय में बन जाता है। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। देखिए, ये बनके तैयार है।